केंद्र सरकार ने स्टील और स्टील उत्पाद को BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के घेरे में लाने के लिए 29 अप्रैल 2015 को एक नया कानून पास करके जब से व्यापारियों के सामने लाया है, उसी समय से इस प्रस्ताव का विरोध इस इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारी संगठन करने लगे हैं। इसमें मेटल कंटेनर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन MCMA, बीमा, फैम और FII जैसे संगठनों ने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। स्टील व्यापार से जुड़े व्यापारियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि केंद्र सरकार ने सोने चांदी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो कानून लाया उसे लोहे पर क्यों लागू करना चाहती है। स्टील उत्पाद के ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ये व्यापार देश के लगभग सभी गांवों में एक पेशे से जुड़ा हुआ है। अब क्या लोहार खुरपी, फरसा और छुरी बनाने के लिए BIS से रजिस्ट्रेशन किया हुआ माल इस्तेमाल करेगा? ये इंपोर्ट होने के बाद में जैसा जिसको यूज होता है उसी टाइप की पार्टियों को ये माल डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो उसमें ज़्यादा अच्छी नस्ल का माल है वो उस टाइप के पार्टी जो यूज़र रहता है उसको जाता है, और जो अगर 19-20 माल निकला जैसा भी माल रहता है उसी क्वालिटी के हिसाब से उन पार्टियों को जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं उनको यूज़ होता है। इसके मैन्युफैक्चरर समझो झोपड़पट्टी में भी हैं बम्बई के, ऐसे और भी शहरों में हैं, छोटे छोटे गांवों में भी है। लोग अपने घर में इमिटेशन ज्वेलरी बनाते तो ये हमारे टिनप्लेट का जो पतरा है उसी से बनता है। फिर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हो, शेल्व्स है, एंगल है, फावड़ा है, कुदार है, घमेला है, ऐसी काफ़ी कई सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें आप बोल सकते हो जहाँ पर स्टील का यूज़ होता है और जहाँ पर प्राइम स्टील की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर उनका काम सेकेंडरी स्टील से हो सकता है। ऐसा 200 में भी बिकता था, 300 में भी बिकता था, और जब BIS लागू हो जाएगा तो 500 हो जाएगा, तो कोई गरीब आदमी ले ही नहीं पाएगा। लड़कियों के शादी ब्याह में लोग तोहफा देते थे खरीद खरीद के, कोई खरीद ही नहीं पाएगा, और सब सेकेंडरी माल चलता था उसमें। देश में सेकेंडरी माल की कुल खपत 7.5 करोड़ टन है, जिसमें 90 लाख टन का विदेशों से आयात किया जाता है। ये माल अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ एशिया और चीन से आता है। इसमें चीन से आयात किए गए माल पर गुणवत्ता से जुड़े सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों के उत्पाद तो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ऐसे में अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो चीन से आयात पर नियंत्रण लगाने के लिए कड़े कानून बना सकती है। जो भी कोटेड मटेरियल जो चाइना से आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। बाकी जो यूरोप से जो भी माल आ रहा है, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे प्राइम एक्सेस हो, चाहे ओवररोल्ड हो, जो भी हो, बहुत अच्छी नस्ल का माल रहता है जो आज बरसों से यूज़ हो रहा है। और ये जो इंपोर्ट होके मटेरियल आ रहा है ये आज़ादी के पहले से आ रहा है और आज तक लगातार आ रहा है। छोटी छोटी इंडस्ट्री वाले हैं उनको अगर आप BIS में रजिस्टर होने बोले और BIS के रेगुलेशन के हिसाब से काम करने बोलेंगे अगर, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे ये सारी इंडस्ट्रीज का काम ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वही बचेगी, जिसका हमारे देश के ऊपर काफ़ी असर आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट होएगा और महंगाई बढ़ेगी, लोगों के पास काम नहीं रहेगा करने के लिए। बहुत काफ़ी लोग नाराज हैं, सब जगह नाराज हैं, बहुत काफ़ी यूपी में भी, यहाँ भी, सब जगह नाराज। इस्पात का सेकेंडरी माल दरअसल देश के घरेलू उद्योग से जुड़ा हुआ है, जिससे करोड़ों परिवार की जीविका चलती है। इतना ही नहीं, गरीब महिलाएं जिस इमिटेशन ज्वेलरी का इस्तेमाल करती हैं वो भी इसी से बनाया जाता है। अगर इसे BIS के दायरे में लाया गया तो इमिटेशन ज्वेलरी की कीमतें 2-2.5 गुना बढ़ जाएंगी। ऐसे में महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों को और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आबिद नकवी, प्रेस 9, मुंबई।